बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जैसे कि कहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आप अगर जो वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की जो मेरी वीडियो है वो है एक बहुत ही जादुई चीज़ है उसके बारे में, जो आपकी स्किन को, आपके मेकअप को बड़ा फ्लॉलेस और बड़ी स्मूथ एंड सिल्की बना देगी। तो लोगों को इसका पता नहीं है, लोग यूज़ कम करते हैं, तो मैं तो कहूँगी आप लोगों को हफ्ते में 2 दफ़ा इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और वो जो आज की जो प्रोडक्ट है, स्टार इंग्रेडिएंट, स्टार प्रोडक्ट जो है वो है मेरी सॉफ्ट टच का फेशियल स्क्रब, मॉइस्चराइजिंग फेशियल स्क्रब। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है और ये आपको आराम से हर लोकल मार्केट में मिल जाएगा आप लोगों को। और इसकी जो प्राइस है वो इतना महंगा नहीं है, बड़ा अफोर्डेबल सा है। ये आप लोगों को 200 रुपीज़ में इसका मिल जाएगा ये पैक, और 250 ml इसकी क्वांटिटी है और ये बहुत ही अच्छा है। अब इसके अंदर है क्या क्या, ये जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर है विद पीच, स्ट्रॉबेरी एंड कीवी, और जेंटली क्लियर्स अवे रफ ड्राई स्किन सेल्स टू गिव यू फ्रेश स्मूथ लुकिंग कॉम्प्लेक्शन। तो ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है और ये आपकी स्किन को बड़ा स्मूथ कर लेता है। मैं तो रिकमेंड करूँगी कि जो वर्किंग वुमन है और या जो घर में रहती हुई बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं, उनको तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप वो यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी स्किन जवान रहेगी काफ़ी देर तक। तो ये बहुत अच्छा है, आपकी स्किन में से सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है और आपकी डेड स्किन को भी रिमूव कर देता है, और आपके जो ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं जो बड़ी उम्र के साथ साथ और बाहर जाने वाली ख्वातीन जो होती हैं, आउटडोर काम करते हैं मर्द हजरात, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये तो बहुत ही आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और बहुत ही अच्छा रखेगा और स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा, क्योंकि अगर आपकी स्किन अंदर से साफ़ होगी तो वो ग्लो भी करेगी और आपको जो है पिम्पल्स वगैरह भी नहीं आएंगे। तो मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि बड़ी उम्र की ख्वातीन और मर्द हजरात जो बाहर काम करते हैं, मर्द तो सारे काम करते हैं, जो बाहर औरतें का वहाँ काम करती हैं और जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं, उनको तो बिल्कुल ये यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन को रिजोमिनेट करने के लिए और जवान रखने के लिए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर लिखा क्या हुआ है। नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स इसके अंदर हैं ऑफ पीच के, स्ट्रॉबेरी के एंड कीवी के, हैव बीन कम्बाइंड टू क्रिएट अ परफेक्टली जूसी डेलिकेट मॉइस्चराइजिंग ब्लेंड। तो इसके अंदर जो है फ्रूट्स के साथ ये बना हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। और दिस फेशियल स्क्रब्स क्लियर अवे डल ड्राई स्किन सेल्स विद अ यूनिक फ्रूटी फ्रेश मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला एंड हेल्प इन अचीविंग अ स्मूथ फ्रेश कम्प्लेक्शन। तो अब इसका लिखा हुआ है कि हाउ टू यूज़, मैं आप लोगों को बताती हूँ यूज़ करना भी इसको। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप ये ले लें, ये आपको फेशियल में भी काम आएगा, और ये वैसे भी आप लोग अगर फेशियल ना भी करें तो हफ्ते में इसको 2 दफ़ा कर लें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। और इसके अलावा इसका ये फ़ायदा भी है कि ये आपके जो नाक के पास बनी हुई जो डेड स्किन होती है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करती है, और मसाज का काम भी देती है, और इससे आपकी जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तेज़ हो जाती है, जिससे आपकी जो स्किन है वो ब्रीथ करने लगती है। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है, मैं तो इसको यूज़ करती हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा। जो गर्ल्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो इनको एक दफ़ा यूज़ करें, और जो मैं जैसे बता रही हूँ ओल्ड एज ख़वातीन हैं या बाहर जाने वाले मर्द और हजरात हैं काम करते हैं जो, उनके लिए तो ये हफ्ते में दो दफ़ा इसको करें। और मैं आपको ये भी बता दूँगी कि एक जो फ़ायदा है आपके मेकअप को फ्लॉलेस करने के लिए, क्योंकि मेकअप करने से जो है आपको, अगर आप मेकअप ऐसे ही कर लेंगे विदाउट मॉइस्चराइजिंग विदाउट एनी थिंग, तो आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरीके से आपके फेस के अंदर जाएगा नहीं, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक फेशियल स्क्रब यूज़ कर लें, उससे पहले 2-3 मिनट का आप स्क्रब कर लें फेस को, तो इससे आपकी सारी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है, और जो जब आप बेस लगाते हैं लोशन लगाने के बाद जो बेस लगाते हैं उसकी इतनी अच्छी एप्लीकेशन होती है, इतनी अच्छी एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल आपका जो है जो आपका फाउंडेशन होता है वो बिल्कुल नेचुरल लुक्स देता है। तो मैं आपको तो रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जब मेकअप करें तो मेकअप करने के लिए बाहर जाएं, मेकअप करें किसी शादी पे जा रहे हो या आपने किसी पार्टी पर जा रहे हैं, तो इसको तो ज़रूर आप पहले यूज़ करें, क्योंकि इससे स्किन आपकी
बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको यूज़ करना कैसे। चलिए चलते हैं जी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने एक पानी ले लेना है छोटे से बाउल में। पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये जो है इसके अंदर थोड़े छोटे ग्रैनुल्स होते हैं, थोड़े से हार्श होते हैं, तो वो स्क्रब के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए इसके अंदर जोर मौजूद होते हैं। तो आपको पानी इसलिए यूज़ करना है ताकि जो आपकी स्किन पे जो रगड़ खाते हैं वो ग्रैनुल्स वो रगड़ ना खाएं और बड़े स्मूथ तरीके से आपका स्क्रब हो जाए। तो सबसे पहले मैं पानी लगाऊंगी अपनी स्किन के ऊपर। जैसे कि मैंने पानी लगा लिया, अब मैं इसके अंदर इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्रब लगाऊंगी। आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रब ले लूंगी। अब मैं इसको स्क्रबिंग करूँगी। बिल्कुल आपने हल्के हाथ से और सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। 5 मिनट के लिए आप इसको, अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट के लिए कर लें, अदरवाइज़ आप इसको 2 मिनट भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाक के पास आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है कि देखिए इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैनुल्स से हैं। यही तो इनका काम करेंगे आपके स्किन को स्मूथ करने का। तो आप इसको हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में आप अपने गालों पे, माथे पे, नाक के पास स्पेशली, थोड़ी पे, गर्दन पे भी आप इसको कर सकते हैं, हाथों पे भी आप इसको कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हाथों पे नहीं कर सकते, जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। तो आप लोग इसको 5 मिनट के लिए, अगर आपके पास टाइम है, नहीं 2 मिनट के लिए आप ये कर लें। अगर आपको जल्दी है, कहीं जाना है, तो आप इसको 2 मिनट के लिए आप लोग यूज़ कर लें और अच्छे तरीके से आपने इसको मसाज करते जाना है हल्के हाथ से। और आपने कोशिश तो करनी कि अपर डायरेक्शन में आप इसको मसाज करें। तो उसके बाद आप इसको वॉश कर लें और फिर आप देखें कि आपकी स्किन कितनी स्मूथ और सिल्की सी हो गई है। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़, बाय।